आप सबको नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। विद्यालय के लंच टाइम में आप सभी लोगों से रूबरू होने का जो अवसर प्राप्त होता है, जाहिर सी बात है उसमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। इस परम आनंद में आप सभी लोगों से मुखातिब होने का मौका भी मिल जाता है ना। और तमाम उन अवसरों को हम भुनाने का प्रयत्न करते हैं। आज अम्बेडकर नगर में जो जनसभा का आयोजन किया गया है और कुशीनगर में, उसमें विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु वहाँ पर स्वयं जनप्रतिनिधि चल के आए हैं और आप सभी लोगों के ज्ञापन आदि को लिए हैं। एक शानदार जबरदस्त दबाव बनाने की जो प्रथा हम लोगों की शुरुआत से ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद चली आ रही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोग हमेशा ही ये प्रयास करते रहे हैं कि बीएड को पीआरटी में सम्मिलित किया जाए। आप सभी लोगों ने देखा होगा सर्वोच्च न्यायालय में जब से ये केस चल रहा था, ये मामला चल रहा था, तब से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय के सुनवाई के अंत तक बीएड विद्यार्थियों की योग्यता को बचाने के लिए और उन्हें डिफेंड करने के लिए एनसीटीई ने अपने वकीलों के साथ पूरा प्रयास किया था। लेकिन कहते नहीं हैं कि कहीं कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से खामियाजा 3,38,00,000 विद्यार्थियों को भुगतना पड़ा। मैं आप सभी लोगों को एक बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, असम, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात आदि राज्यों ने जिस तरीके से एनसीटीई से गाइडलाइन जारी करने की बात कही थी, क्योंकि बिना गाइडलाइन जारी किए तो सारी चीज़ें जो है तहस नहस होंगी, है ना। और उन तमाम समस्याओं के निराकरण हेतु अब एनसीटीई ने एमएचआरडी के निर्देश पर एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है उन्हें। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि बीएड विद्यार्थियों को, जैसे कोई समितियां होती हैं, है ना, कर सुधार था तेंदुलकर समिति, मेहता समिति, है ना, तमाम ऐसी समितियां बनाई जाती हैं जिसके माध्यम से सिफारिशें की जाती हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ये शिक्षा का विषय है जो कि समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची में होने के कारण इस पे राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर के कानून बनाती हैं, क्योंकि अध्यापकों का जो वेतन होता है उसमें रेशियो डिफरेंट होता है, मतलब उसमें केंद्र सरकार भी देती है और राज्य सरकारें भी देती हैं, ठीक है ना। कुछ अपने स्तर पे भी चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। और अगर राज्यों को योग्यताएं 5 वर्ष के लिए शिथिल करनी है, जिन भी राज्यों को, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, आपका झारखंड हो गया, साथ ही साथ मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है ना, इन तमाम राज्यों में अगर उनको योग्यताओं को शिथिल करना है, क्योंकि इसी करिकुलम को देखते हुए, इसी पाठ्यक्रम को देखते हुए, पाठ्यचर्या को देखते हुए असम की कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था, मतलब बीएड डिग्री धारकों को वहाँ पे वैलिड घोषित किया गया। बहुत से डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों के गले ये बात नहीं उतरी, ठीक है ना, और वो बार बार लगातार प्रयास ये कर रहे हैं, वेलकम टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, वेलकम कर लीजिए, आपसे ज़्यादा ट्वीट किया है विद्यार्थियों ने, बीएड के छात्रों ने। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, ये जो एकता का एक मुहिम चलाया गया था ना, वो अब कारगर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सरकार ने भी ये नहीं सोचा था कि बीएड के विद्यार्थी इतने एकजुट हो जाएंगे, ठीक है ना। और इन तमाम समस्याओं को लेकर के मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि राज्यों की लिए जो पत्र जारी करना है एनसीटीई को, उन्होंने आज से पत्र जारी करना शुरू कर दिया है। और सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों, और पहले तो मुख्यमंत्री महोदय को बुलाया जाएगा, यदि मुख्यमंत्री व्यस्त रहते हैं नहीं आ पाते हैं तो शिक्षा मंत्रियों को और प्रमुख सचिवों को बुलाया जाएगा, और उनके माध्यम से ये जानने का प्रयत्न किया जाएगा कि आखिर मेजोरिटी किसकी तरफ है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं या जो एंटी पार्टी शासित राज्य हैं, उसमें आप सभी लोगों को काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, मतलब वो बीएड का विरोध करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जो एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री का जो पहले पूर्ववत कार्यकाल संभालते रहे हैं, और जो जिन्होंने आरटीई एक्ट का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, इसमें वो नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई रद्दबदल हो, ठीक है ना। लेकिन अब उन्हीं प्रक्रियाओं से जो है वो गुजर रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आरटीई एक्ट को लागू करना था
तो समस्त राज्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। एनसीटी ने एमएचआरडी मिनिस्ट्री की अध्यक्षता में उस कमेटी का आयोजन किया गया था। उसमें शिक्षा मंत्रियों ने, प्रमुख सचिवों ने भाग लिया था और उन्होंने आरटीई एक्ट का समर्थन किया था, आप सभी लोगों को याद होगा। वही सेम प्रक्रिया आप सभी लोगों की अब कंटिन्यू रखी जा रही है और कुछ राज्यों को एनसीटीई ने और एमएचआरडी ने शर्तों के अनुसार उनको छूट भी दी थी। ठीक है ना, बात समझ में आई। अब यही चीज़ें आप सभी लोगों की इस संशोधन की प्रक्रिया को जारी करने के संबंध में है और इसी महीने में एनसीटीई ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा। इसकी अध्यक्षता एनसीटीई अध्यक्ष सहित एमएचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी भी करेंगे। हम लोगों की विजय सुनिश्चित होती जा रही है भाई बहनों, बस आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। जिस तरीके से आप सभी लोग ताबड़तोड़ ढंग से वीडियोस को शेयर कर रहे हैं और पॉजिटिव इंटेंट दे रहे हैं, जाहिर सी बात है विजय हम सभी लोगों की होगी। और मैं आप लोगों को गारंटीड ये बात बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ एनसीटी अपना रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी करेगा, उसमें बीएड विद्यार्थियों को पीआरटी में सम्मिलित करना ही होगा, बिना इनके कोई भी पीआरटी की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आ नहीं सकती। जो ये लोग परेशान है ना तमाम चीज़ों को लेकर के, हम 97,000 ले लेंगे, 68,000 ले लेंगे, 85,000 ले लेंगे, आओ ले लो, आओ जारी करा लो विज्ञापन, चाहे कितना भी बड़ा आप ऑर्गेनाइज कर लें धरना प्रदर्शन, जब तक बीएड विद्यार्थी एकजुट नहीं होंगे ना कोई वैकेंसी मुमकिन नहीं है। और बीएड विद्यार्थियों को इतना कमज़ोर मत समझिए, उन्होंने अपनी ताकत के दम पे जो एकजुटता दिखाई है, लगातार हम लोगों के एक आह्वान पे कहीं भी किसी भी राज्य में विद्यार्थी सड़कों पर आते हैं, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से धरना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन आदि सौंपते हैं और अपनी मांगों को रखते हैं। जाहिर सी बात है अगर ये एक राज्य की बात होती, एक राज्य में छात्र उत्पात कर रहे होते, छात्र एकजुट हो रहे होते तो शायद केंद्र सरकार इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन ये समस्त राज्यों की बात है। अभी उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वगैरह में भी विद्यार्थी सड़कों पर निकलने लगे हैं। इन्हीं सारे क्रमों को ध्यान में रखते हुए राज्यों को अर्हता शिथिल तभी की जा सकती है, ठीक है ना, इसकी मंजूरी सैद्धांतिक रूप से तभी दी जा सकती है जबकि एनसीटी अपनी गाइडलाइन जारी करे, और एनसीटी गाइडलाइन तभी जारी करेगी जबकि उनको एमएचआरडी मिनिस्ट्री बोलेगी, एमएचआरडी मिनिस्ट्री तभी बोलेगी जब केंद्र सरकार उसको निर्देशित करेगी। क्यों? क्योंकि भाई हम लोगों ने यह नहीं कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश गलत है, सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल अपनी जगह सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपने विद्यार्थियों को सम्मिलित किया क्यों, आपने विद्यार्थियों को सम्मिलित किया क्यों, अगर किया है तो नैतिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन क्यों किया। अब आपका यह नीतिगत मामला था, आपकी नीतिगत हार हुई है, ठीक है ना, नीतिगत पॉलिसी मैटर में आप हार गए हो सुप्रीम कोर्ट में, मतलब आपने महान्यायवादी को खड़ा नहीं किया इस मामले को डिफेंड करने के लिए, यह पहली गलती आपकी। दूसरा ये कि जो नैतिक प्रक्रियाएं होती, कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, उससे बीएड विद्यार्थियों को आपने नहीं गुजारा, ये आपकी दूसरी गलती। तीसरा ये सर्वोच्च न्यायालय में आपने बीएड केस को डिफेंड नहीं किया, ये आपकी तीसरी गलती। चौथा ये एनसीटी के अध्यक्ष महोदय ने ये नहीं कहा कि आप सभी लोग इन प्रक्रियाओं को कानूनी तौर पर संपादित कर लें ताकि किसी भी प्रकार की वैधानिक समस्याएं ना हो, अब उनकी ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है ना। तो ये तमाम ऐसी कमियां रही हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने शासन से सिर्फ इतना कहा है कि आपके नोटिफिकेशन को देख करके बीएड के विद्यार्थियों ने बीएड की डिग्री ली, अगर उनको ये चीज़ें पहले से पता होती तो वो करते, डीएलएड करते, बीटीसी करते, या जिसकी इच्छा होती दोनों कर लेते, क्या दिक्कत थी भाई। हमारा 2 लाख रुपया तो जा ही रहा है, चलो 2 लाख और सही, 4 लाख गया, कम से कम हमारा दोनों सेफ तो हो जाता कि हम पीआरटी में भी एलिजिबल हैं, टीजीटी पीजीटी एलटीजीएसई में भी एलिजिबल हैं, है ना। ऐसे बहुत से विद्यार्थी जिन्होंने दोनों डिग्रियां ले रखी हैं, अब बताओ, और ऐसे भी बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीकॉम बीटेक आदि के बाद एग्रीकल्चर से चीज़ें करने के बाद बीएड कर लिया है, उनकी डिग्रियां क्या हुई, चूरन बेचने वाला कबाड़ा हो गई। इन तमाम समस्याओं को हम सभी लोगों ने एमएचआरडी मिनिस्ट्री के सामने रखा था और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया था, इसीलिए अब राज्य सरकारों के साथ मीटिंग होगी प्योर मेजोरिटी के आधार पर, क्योंकि मेजोरिटी किसकी है, मेजोरिटी है इसमें उत्तर प्रदेश सहित तमाम उन बड़े राज्यों की, तमाम उन राज्यों की जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, या तो वो सत्तारूढ़ पार्टी है
या तो गठबंधन के साथ सरकार बना रखा है, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों का एडवांटेज बढ़ता जा रहा है और विजयश्री हम लोगों की सुनिश्चित होगी, क्योंकि बीजेडी मतलब बीजू जनता दल, नवीन पटनायक जी उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस मीटिंग में हम बीएड विद्यार्थियों का साथ देंगे। हम लोगों का प्रयास केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, ये प्रयास अखिल भारतीय स्तर पर हो रहा है और इस प्रयास के माध्यम से ही हम सभी लोग तार्किक ढंग से और प्रभावपूर्ण तरीके से हम सभी लोग अपनी बातें रख पाने में सक्षम हुए हैं। बीएड के विद्यार्थियों एकजुट हो जाओ। समस्त बीएड विद्यार्थियों को मैं आह्वानित करना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की मेहनत पर आप सभी लोगों को गुरूर होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग जिस तरीके से पसीना बहा रहे हैं, इसमें आप चिलचिलाती गर्मी में दो मिनट नहीं खड़े हो सकते मेरे भाई बहनों। अगर आपको मोटरसाइकिल पे भी बैठा दिया जाए ना, अगर आप बोल दिया जाए 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर जर्नी करनी है, आप नहीं जाओगे क्योंकि उब जाओगे आप। लेकिन हम ना तो रुकते हैं, ना तो थकते हैं और ना ही अपने भाई बहनों के उद्धार के पीछे हटते हैं। हमारा जो कार्य है उसको मैं संपादित करता हूँ और वो भी निस्वार्थ भाव से, ठीक है ना। आप सभी लोग सहयोग करें, अधिक से अधिक लोगों में वीडियो शेयर किया करें, क्योंकि अब हमारे लोग के जीत की जो प्रक्रियाएं हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अब ये मीटिंग होगी, मीटिंग होने के बाद इसमें जैसे आरटीई एक्ट को लागू करने पहले मीटिंग की गई थी, सभी राज्यों से पूछा गया था, ठीक है ना, क्योंकि कुछ राज्यों को ऐतराज़ भी हो सकता था, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है तो सभी राज्यों को साथ लेकर के चलना चाहिए था, तो वो चीज़ें हुई थी और एक सहमति बनी थी कि हम बीएड को 1 जनवरी 2012 तक वैलिड करेंगे, अगर आप भर्तियां करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना, उसके बाद सारी चीज़ें बदलेंगी। और यही चीज़ें अब इनको भी करनी होंगी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने 3 टिप्पणियां की हैं, उन 3 टिप्पणियों को काउंटर करना है, ठीक है ना। अब वही चीज़ें हो रही हैं, जाहिर सी बात है थोड़ी सी खुजली मचेगी अब उन विद्यार्थियों के अंदर जो डीलेड और बीटीसी वाले हैं, और मचनी भी चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग जिस तरीके से मजबूती के साथ अपना खून पसीना बहा रहे हैं ना, ये व्यर्थ नहीं होने देंगे। आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, स्नेह चाहिए और एकजुटता चाहिए, एकता चाहिए, ठीक है ना। आप सभी लोग साथ आए, साथ जुड़िए और हमारी बातों को उन बीएड विद्यार्थियों तक तो पहुँचाने का कार्य करिए जो बीएड विद्यार्थी आज डिग्री लेकर के भी अयोग्य करार दिए गए हैं, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बहुत से विद्यार्थियों में निराशा व्याप्त हो गई थी, लेकिन अब पॉजिटिव इंटेंट वो देखने के बाद उनके अंदर थोड़ा सा जो आशा का संचार हुआ है उसे कायम रखना है और उसे उस विश्वास में बदलना है जो विश्वास विद्यार्थियों के लिए रामबाण संजीवनी का काम करेगी। आप सभी लोग साथ रहिए, बस देखिए फिर आगे आगे होता है क्या। पहले रिवाइज आंसर की तो आने दीजिए, फिर सॉरी रिवाइज गाइडलाइन तो आने दीजिए, फिर देखिए तमाशा जो है, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के जिस मजबूती से साथ देता है, रूलिंग पार्टी बीजेपी और उनके नेतागण, हम सभी लोगों ने इतने लोगों को ज्ञापन दिया है, चाहे समाज कल्याण विभाग के मंत्रालय हों, चाहे शिक्षा विभाग के मंत्रालय हों, चाहे आपके MPs हों, चाहे MLAs हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रमुख सचिव हों, चाहे महान्यायवादी हों, चाहे राष्ट्रपति हों, सबको ईमेल किया गया है, ज्ञापन भेजा गया है और उसका कुछ ना कुछ तो सार्थक परिणाम निकलेगा ना। इसीलिए तो NCTE इस महीने में ही, क्योंकि अब गाइडलाइन जारी करने का इनके ऊपर प्रेशर है, तो इन नैतिक प्रक्रियाओं को किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार से वैधानिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े। LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए आप सभी लोगों में बता दूं, LT ग्रेड GIC प्रवक्ता में एक औपबंधिक, मतलब जो बातें हो रही हैं शिक्षा विभाग में विषय कम्बिनेशन को लेकर के, उसमें इन विद्यार्थियों को, चूंकि लोक सेवा आयोग ने भी डेटा प्रस्तुत किया है और आज शिक्षा निदेशालय हम सभी लोग जाएंगे, अभी स्कूल के बाद जाएंगे और वहाँ पे ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों का पैनल रिलीज हुआ है, जो विद्यार्थी चयनित हुए थे TGT PGT 2016-2021 के, उनका पैनल रिलीज कर दिया गया है और इसके बाद आप सभी लोगों का द्वितीय प्रतीक्षा सूची वो जारी की जाएगी, ठीक है ना। और LT ग्रेड में चयनित विद्यार्थियों के भी पैनल रिलीज कर दिए गए हैं, इसमें संशोधन की जो प्रक्रियाएं हैं
वो सारी प्रक्रियाएं अब शीघ्रातिशीघ्र कंप्लीट किए जाएं, क्योंकि सैद्धांतिक मंजूरी अर्हताओं पर प्राप्त होने के बाद अब विज्ञापन में किसी प्रकार का लेट बर्दाश्त नहीं है। दो चरणों की एल्टीग्रेड को कराने की जो मुहिम थी वो अब एक चरण पर आ चुकी है, और इस बार जीएससी प्रवक्ता में भी एक क्रांतिकारी बदलाव होने की स्थितियों में पहुंच चुका है कि आप लोग सुबह में प्री दीजिए, शाम को मेंस दीजिए डीएसएसबी के आधार पर। जैसे डीएसएसबी में होता है ना, सेम वही कंडीशन पहले होता था ना, अभी नहीं होता है लेकिन पहले होता था। लेकिन इस प्रक्रिया में आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ा झोलझाल है, देखना दिलचस्प होगा कि लोक सेवा आयोग क्या निर्णय करता है। लेकिन इतनी चीज़ें क्लियर हैं कि अब एल्टीग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन दूर नहीं है। आरओएआरओ का विज्ञापन में 181 पद बताए गए थे, पदों की संख्या बढ़ चुकी है, अभी और बढ़ेगी, ठीक है ना, अभी वो और बढ़ेगी। एज रिलैक्सेशन के लिए विद्यार्थी पूछ रहे थे भैया हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, एज रिलैक्सेशन के लिए जो पुख्ता इंतजाम मतलब किए गए थे, क्योंकि G20 समिट शुरू हो चुका है तो अब कोई दिल्ली वगैरह जा नहीं सकता, ठीक है ना। अब जैसे ही G20 समिट समाप्त होगा और सारे राष्ट्राध्यक्ष जो है मतलब यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे, उसके बाद हम सभी लोग जो है बीएड विद्यार्थियों को लेकर के हम लोग जंतर मंतर पे जाएंगे और धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे और अपनी बातों को रखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, धैर्य रखिए, आक्रामक बिल्कुल मत होइए। एल्टीग्रेड जीएससी प्रवक्ता में विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन दिए जाने अथवा आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के विज्ञापन में एज रिलैक्सेशन दिए जाने के संबंध में मैं आप सभी लोगों को जानकारी दे देना चाहता हूँ कि इसमें एक बहन ने पूछा था हमसे कि भैया क्या इसमें महिला के पद नहीं होंगे, ठीक है ना, इसमें सभी के पद होंगे, महिला के भी होंगे पुरुष के भी होंगे, ठीक है। और आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, एज रिलैक्सेशन की फाइल अभी तक मुख्यमंत्री महोदय के पास है, उन्होंने इस पर सहमति नहीं दी है। और एक पूर्वत सूचना है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, 22 तारीख तक आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधेयक पे राज्यपाल महोदया का सिग्नेचर हो सकता है, कर दिया जाएगा, और 30 सितंबर के पहले पहले इसकी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग की। उसके बाद जो PET का मतलब एग्जाम डेट घोषित किया गया अक्टूबर में, ये नवंबर में जाने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि CGL का मेंस वगैरह है, ठीक है ना, तो इसको डिले किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ अब 2-3 परिणाम आप सभी लोगों के इसी सितंबर महीने में आने वाले हैं UP SSC के माध्यम से, और अभी एग्ज़ाम का एक शेड्यूल जारी होगा आपका VPO का और मुख्य सेविका का, साथ ही साथ जो आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनको भी बहुत जल्दी ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस बार आप सभी लोगों ने देखा होगा PET में कितने कम आवेदन हुए हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि निराशा विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार वैकेंसी फॉर्म डालेंगे कम से कम नहीं तो हमको 4 साल 5 साल 6 साल लग जाएंगे, कोई कोई तो 10 साल हो गया है, तो विद्यार्थियों की रुचि ऐसे में कम हो जाती है। इन तमाम समस्याओं को लेकर के हम सभी लोगों ने कार्मिक मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री महोदय को भी एक पत्र लिखा है, और कोशिश ये की जा रही है कि आप सभी लोगों को जो पदों की बढ़ोतरी हो रही है और एल्टीग्रेड जीएससी प्रवक्ता के जो सैद्धांतिक मंजूरियों के आधार पर नियमावली में संशोधन आदि की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द कंप्लीट की जाए, सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मैटर सॉल्व किया जाए, उसके बाद आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ें, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जो विद्यार्थी जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे नोट्स लेना चाहते हैं या TGT PGT की याचिका में हमारे सम्मिलित होना चाहते हैं, निश्चित सफलता आप लोगों को याचिका से प्राप्त हो जाएगी, उन विद्यार्थियों की काउंसलिंग भी होगी, उनको नियुक्तियाँ भी मिलेंगी। आप लोगों के पास 3 दिन शेष हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं। TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थी संपर्क करें, और अन्यथा कोई विद्यार्थी नहीं। अगर किसी विद्यार्थी को नोट्स चाहिए टेट सीटेट सुपर टेट TGT PGT LTGIC यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी UP SSC DSSB आदि के, तो आप हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स ले सकते हैं 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। हिप हिप हुर्रे, बीएड एकता जिंदाबाद। आप सभी लोग इसी उत्साह के साथ साथ आइए, हम वचन देते हैं आप सभी लोगों को कि हम लोग पुनः PRT में लौटेंगे, हम लोगों को संजीवनी पुनः से मिलेगी। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।